हेलो दोस्तों, मुटकी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको केले के चिप्स बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमने कच्चे केले को छील लिया है और इसको ऐसे स्लाइस में चिप्स वाले काट दिए। ये हमारा केला काफ़ी पतला था, इसलिए छोटा छोटा साइज है। आप मोटा केला लीजिएगा थोड़ा, तो मतलब थोड़ा साइज में बड़ा, तो बड़े बड़े चिप्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने। और ये हम तलने के लिए एक बैच डाले हैं और ये निकाले हुए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, आवाज़ नहीं देख सकते आप। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए डिब्बे में भी हमारा ठंड के रखा हुआ। अब इसके लिए करना क्या है, कच्चे केले को हमने ऐसे स्लाइस बताए काट लीजिए। और ये एक कटोरी में नमक हल्दी का घोल बना दीजिए, एक चम्मच नमक एक चम्मच हल्दी। इसको करना क्या है, ये कच्चे केले, हम कच्चे केला जो है हमारे काटे हुए, उसको तेल में डाल देंगे और उसके बाद ये जो है घोल इसमें डाल देंगे और डाल के फिर दूर हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, छोड़ देंगे उसमें तेल में चिप्स में, और उसके बाद तलने देंगे क्योंकि छिट्टा आता है ना, भाप आती है पानी डालने से। तो एक चम्मच में डाल देंगे। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा नमक वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक और डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, बट वैसे भी अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी। आप आवाज़ सुन सकते हैं वैसे मैं खा रही हूँ। तो दोस्तों आप भी बनाइए, ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसे बने आपके केले के चिप्स। इसको सफ़र में भी ले जा सकती हैं, घर में डिब्बे में रख के खाइए। देखिए आराम से 50 रुपये की पैकेट और 3 केले की ये चिप्स थी। देखिए एक पैकेट चिप्स तैयार हो गई 3 केले से, और कितनी क्रिस्पी आवाज़ से सुन सकते हैं। देखिए देखें बिना माइक की भी आवाज़ जो क्रंची आ रही होगी। देखिए तो बाहर के कुरकुरे टेढ़े मेढ़े से अच्छा ही है, बच्चों को भी दे सकते हैं पिकनिक वगैरह में, अच्छा स्नैक्स है, और ख़ुद भी सफ़र में ले जा सकते हैं। तो बस थोड़ी देर ऐसे बाहर रख दीजिए, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसको आप एयर कंटेनर डिब्बे में भर के रखिए। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन करता है तो ऊपर से चाट मसाला मिला कर थोड़ा काला नमक भर के रख दीजिए और उसको खाइए। पर ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगा जो हल्दी नमक के घोल से केवल हमने बनाया। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। अभी हम आपको दिखाते हैं घोल कैसे डालना है। ये वाला बैच का निकल जाए फिर ये वाला आप डालते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स हैं, जरूर बनाएं। उसके बाद आप कभी भी चिप्स नहीं खरीदेंगे अंकल से, कुरकुरे इतना बढ़िया है कि हमें तो बहुत पसंद आया। अब हम जब भी जाएंगे कच्चे केले ज़रूर लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों बाकी के हम ऐसे डाल देंगे जो केले कटे हुए हैं। ये तेल हमारा है, देखिए और तो थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा चाकू की सहायता से मिला लेंगे, सारे अलग हो जाए मतलब चिपक जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए घोल कैसे डालना है इसी बताने के लिए हम रुके हुए। तो ये हमने अलग अलग कर दिए, गैस की फ्लेम तेज कर दी है अभी थोड़ी मीडियम में, और अब हम ये घोल डालेंगे और घोल डाल के दूर हट जाएगी क्योंकि छिट्टा या भाप बहुत तेज आती है जो घोल आए। ये देखिए पूरा एक चम्मच घोल लिया हमने और ये डाल दिया। तो इसीलिए हमें नमक और ऊपर से मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ी है घोल के कारण। ये नमक अच्छे से निकल रहा है और जैसे ही ये कुछ कच्चा कच्चा हो रहा है, होना बंद होगा तब हम जैसे चलाएंगे थोड़ा देर दूर हट जाएंगे चलने से। आवाज़ सुन जाएंगे दोस्तों, आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो हम जाएंगे। इससे तेज़ी और कोशिश नहीं कर रहा ज़्यादा, और हमें ऊपर से मसाले या नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसमें हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिप और टिप, और ये आपको शेयर करिए जो मैंने आपको शेयर किया। ऐसे ही मैं जो मतलब मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ और सही होता है वो शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और आप भी घर में बनाइए ये केले की चिप। बहुत ही पतली कुरकुरी क्रिस्पी एकदम अच्छी बन के तैयार हुई है, इन्जॉय करिए।
देखिए कितनी गुड़गुड़ी आवाज आ रही होगी आपको, देखा दोस्तों। तो आप भी इंजॉय करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए दोस्तों।